हाय गाइज, माय नेम इज़ नादिर सिद्दीकी। वेलकम टू डीप टेक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे आईफोन XR का, जो रिसेंटली मैंने OLX पे से ख़रीदा है। यहीं पर बात करते हैं। आईफोन XR लॉन्च हुआ था 2018 में। इसको लॉन्च हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वाला फ़ोन 2021 में लेने लायक है या स्किप करने लायक है। गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एंड यहाँ पर हम आईफोन XR की सेकेंड हैंड प्राइस के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेकेंड हैंड फोन्स पर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा दें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आईफोन XR का लॉन्ग टर्म रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, यहाँ पर आईफोन XR को लेकर हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा लुक एंड फील का। सेकंड वन इज़ परफॉर्मेंस, थर्ड वन इज़ बैटरी परफॉर्मेंस, फोर्थ वन इज़ मल्टीमीडिया एंड फेस आईडी, फिफ्थ वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा परफॉर्मेंस। गाइज, कैमरा परफॉर्मेंस लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले हैं। एंड लास्ट वन रहेगा हमारा कॉन्क्लूजन, एंड ये भी देखेंगे कि क्या हमें 2021 में XR लेना है कि नहीं लेना है, एंड इसकी सेकेंड हैंड प्राइस को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। गाइज, यहाँ पर आईफोन XR की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील के बारे में बात करी जाए तो ठीक ठाक आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं आईफोन X, आईफोन XS, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 12, तो गाइज उन फोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी वो मच बेटर है आईफोन XR से। आईफोन XR सेम आईफोन 11 जैसा दिखता है, एंड गाइज फ्रंट साइड से तो बिल्कुल ही पूरा सेम है। आप नहीं पहचान सकते कि आप आईफोन 11 यूज कर रहे हैं कि आईफोन XR। जो भी चेंज दिया गया है वो बैक साइड दिया गया है। यहीं पर लुक एंड फील की बात चली रही है तो इसका वेट भी मेजर कर देख लेते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा 193 ग्राम्स, जो कि लिटिल बिट हैवी साइड है। अगर आप इस पे केस लगाते हैं तो इसका वेट और बढ़ जाएगा, तो ये फ़ोन थोड़ा सा हैवी आपको देखने को मिल जाएगा। आईफोन X का जो वेट निकल कर आता था वो थोड़ा कम आता था इससे। यहाँ पर ज़्यादा मेटल यूज़ करा गया है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले यूज़ करा गया है, जिसके कारण इसका जो वेट है वो थोड़ा आपको हैवी देखने को मिल जाएगा। आप इसको सिंगल हैंड यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ जाएंगे। गाइज़, यहाँ पर ये जो मैंने बात बताई आपको कि थोड़ा सा बल्कि फ़ोन है, ये वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे जो लोग अभी करेंटली आईफोन XR यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़ोन बल्कि, अगर आपने पहले आईफोन X यूज़ करा, आईफोन XS यूज़ करा, देन अगर आप आईफोन XR यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा। अगर आप भी आईफोन XR अभी यूज़ कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइज़, यहाँ पर आईफोन XR की पोर्ट प्लेसमेंट की बात करें तो बॉटम साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, एंड एक लाइटनिंग पोर्ट मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। देन यहां पर राइट हैंड साइड आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि मेटल का है। लेफ्ट हैंड साइड आपको साइलेंट एंड जनरल का एक स्विच मिल जाएगा, एंड मेटल की वॉल्यूम कीज मिल जाएंगी। गाइज, यहीं पर राइट हैंड साइड आपको सिम होल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एक सिम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, यहां पर आप आईफोन XR में डुअल सिम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ई सिम का सपोर्ट है। आप यहां पर जियो की ई सिम इंटीग्रेट करा सकते हैं इजिली, एंड डुअल सिम यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। गाइज, यहां पर अब हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि ये परफॉर्मेंस। आईफोन XR की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है एप्पल का A12 बायोनिक चिप, जो कि अभी 2021 में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि रिसेंटली मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ iPad mini 5, जिसमें मैंने ये वाली वीडियो एडिट करी है, एंड बहुत से हैवी परफॉर्मेंस वाले टास्क मैं इसी में करता हूँ। इसमें भी सेम A12 बायोनिक चिप लगी हुई है, एंड 3 GB की रैम है LPDDR4X वाली, जो कि सेम आपको आईफोन XR में मिल जाती है। यहीं पर मैं बात करूँ आईफोन XS में भी आपको सेम चिप देखने को मिल जाती है। गाइज, परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीटास्किंग, पबजी खेलना है या कुछ भी हैवी से हैवी टास्क करना, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। गाइज, इस फोन को लॉन्च हुए 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स को आराम से बीट कर सकता है। iOS 14 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, एंड iOS को इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा गया है कि आपको कोई भी जरा सा भी लेग देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से ये परफॉर्म करता है। मल्टीटास्किंग को ले लीजिए, अगर आप 6-7 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रखते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। जहां पर आप एप्लीकेशन छोड़ेंगे आपको वापस वहीं पे मिलेगी। बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप एक परफॉर्मेंस लवर गाय हैं तो गाइज ये फोन आप आंख बंद कर ले सकते हैं, आपको ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। हैवी से हैवी गेम आप इसमें चला सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद iPad mini 5 में लूमा फ्यूजन से वीडियो एडिट करता हूं। 7 GB, कभी 8 GB की एक वीडियो बनती है, आराम से रेंडर हो जाती है, कभी भी मुझे ऐसा लैग देखने को नहीं मिला। अगर मैं यही चीज अपने लैपटॉप से करता हूं तो वहां पर मुझे थोड़ा बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहां पर iPad mini 5 में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। एंड सेम प्रोसेसर एंड सेम रैम आपको iPhone XR में भी देखने को मिल जाती है, तो यहां पर आपको कोई इशू
नहीं आएगा बिल्कुल। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ये वाला फ़ोन आँख बंद कर ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाएगी। गाइज़ यहाँ पर आईफोन XR की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बैटरी एमएएच बहुत कम है लेकिन जो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आईफोन XR में आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 2942 mAh की, जो कि नंबर में इतनी बड़ी नहीं है लेकिन डेली परफॉर्मेंस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहीं पर बात करता हूँ गाइज़, अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आराम से आपका पूरा एक दिन ये निकाल देगी, क्योंकि इसमें आपको 720p डिस्प्ले मिलता है जो इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है। आराम से पूरा एक दिन आप इसमें हैवी यूसेज के साथ भी निकाल सकते हैं। एंड अगर आप एक लाइट यूज़र हैं तो 2 दिन भी आपकी इसमें बैटरी चल सकती है। यहीं पर बात करता हूँ चार्जिंग की, तो गाइज़ इन द बॉक्स आपको 5W का एक छोटा सा चार्जर मिलता है जो कि पूरे 3 घंटे 12 मिनट लगाता है पूरा चार्ज होने में। एंड अगर आप इसमें iPad का चार्जर यूज़ करते हैं तो 2 घंटे 8 मिनट में आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1200 या 1300 रुपये लगाकर Amazon से एप्पल का ऑफिशियल 12W का चार्जर लें एंड उससे चार्ज करें, तो आपका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। गाइज़ यहाँ पर अगर आप आईफोन XR सेकेंड हैंड लें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें जो इसका बैटरी परसेंटेज है वो 80% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने फ़ोन लिया वो 3 मंथ्स ओल्ड है एंड यहाँ पर मुझे बैटरी जो मिली है वो 100% बैटरी हेल्थ मिली है। तो आप भी ये सब चीज़ें देख कर लीजिएगा, अगर बैटरी परसेंटेज 80% से नीचे है तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम चलने वाली है। एंड एक और टिप देना चाहूँगा मैं आपको, जब भी आप आईफोन चार्ज करें तो 80% के ऊपर उसको चार्ज नहीं करें। यहाँ पर अगर आप 80% तक चार्ज करते हैं तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। गाइज यहाँ पर आईफोन XR के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको 6.1 इंच का 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि लिक्विड रेटिना IPS LCD है। यहाँ पर ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो 625 आपको ब्राइटनेस निट्स मिल जाएगी। रेजोल्यूशन की बात करें तो 720p से हल्का सा बड़ा रेजोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 828x1792। यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 79.0 आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाएगा। एंड यहाँ पर PPI की बात करें तो 326 PPI डेंसिटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इसमें 2-Tone का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड व्हाइट कलर गैमेट भी इसमें मिलता है। गाइज यहाँ पर आईफोन XR में आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल करा गया है, आप इसमें HDR वीडियोस भी देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आईफोन XR के डिस्प्ले की ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको शार्प इमेजेस देखने को मिल जाएंगी, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत कमाल के हैं, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आईफोन X से आईफोन XR पे आ रहे हैं या आईफोन XS से आईफोन XR पे आ रहे हैं, अगर OLED डिस्प्ले से IPS पे आ रहे हैं 720p पे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने भी नोटिस करा। मैंने इससे पहले आईफोन X यूज़ करा था, उसके बाद आईफोन XR को यूज़ करा तो मुझे मतलब डिस्प्ले में ऐसा लगा कि इसका डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आईफोन XR यूज़ करते हैं तो वो आपकी आँखों को आराम से ऑब्जर्व कर लेता, उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आपको नोटिसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप OLED के बाद डायरेक्ट इसको चलाएंगे IPS को, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से ही आईफोन XS है और आप आईफोन XR लेना चाह रहे हैं, या आईफोन X है और आईफोन XR लेना चाह रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसलिए अगर आप आईफोन X से अपग्रेड करें तो आईफोन XS पे करें, आईफोन XR को स्किप करें अगर आपके लिए डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। गाइज़ यहाँ पर आईफोन XR की सिक्योरिटी ऑप्शन की बात करें तो आपको आईफोन XR में फेस ID का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्पल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर जो आईफोन X मॉडल था उसमें गाइज इसकी फेस ID ख़राब हो रही थी, आईफोन XR में आपको इसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आप जब भी आईफोन XR सेकेंड हैंड लें तो फेस ID को 2-3 बार ज़रूर से चेक करें। यहाँ पर इसमें आपको रेज टू वेकअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप जैसे ही पॉकेट से फ़ोन निकाल के अपने फेस की तरफ करेंगे फ़ोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। गाइज़ यहाँ पर अब बात करते हैं आईफोन XR की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब की है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक ही आपको कैमरा देखने को मिलेगा 12 MP का f/1.8 अपर्चर के साथ। एंड यहाँ पर सेल्फी की बात करें तो 7 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा f/2.2 अपर्चर के साथ। गाइज़ यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है आईफोन XR, जिसका रिजल्ट बहुत गजब का है। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, हैव अ लुक।
गाइज यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कितने शानदार रिजल्ट आए। एंड यहीं पर मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका कैमरा। आपके क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या आईफोन XR आपको 2021 में लेना चाहिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल, अगर आपका डिस्प्ले का कंसर्न नहीं है ज़्यादा, आपको डिस्प्ले ही पसंद है, 720p में आप बिल्कुल खुश हैं, तो ये वाला फ़ोन आप बिल्कुल ले सकते हैं। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, कैमरा अनबीटेबल है, हर चीज़ एक नंबर है, बस आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर मेरा पिकअप होता तो गाइज मैं आईफोन XR की जगह आईफोन XS लेता, वहाँ पे मुझे डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेहतर मिल जाता। यहीं पर बात करते हैं, मैंने इसको सेकेंड हैंड लिया था 35,000 में 128 GB, जिसकी प्राइस है अभी 50,000। तो गाइज यहाँ पर आप भी सेकेंड हैंड ले सकते हैं OLX पे से अच्छे से देखकर। एंड अगर आप नया लेना चाहें तो नया 128 GB अगर ये लेंगे तो थोड़े से पैसे मिला के आपको 64 GB आईफोन 11 मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आईफोन XR ले रहे हैं तो सेकेंड हैंड ले चलाएं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसको बेचकर आप आईफोन XS भी ले सकते हैं। यहीं पर बात करता हूं OLX पे से लेते टाइम आपको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपने मेरा आईफोन X वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। यहां पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि जब भी आप आईफोन कोई सा भी OLX पे से ले तो ये चीजें जरूर से ध्यान में रखें। गाइज यहां पर सबसे पहले जब आप फोन ले तो सामने वाले की आइडेंटिटी प्रूफ ले लें, उसका फोटोकॉपी ले लें या उसके साथ एक सेल्फी ले लें, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने उसी से फोन लिया है। देन यहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, *#06# डालें फोन पर, उसमें IMEI नंबर फोन में, बिल में एंड बॉक्स पर, तीनों पर मैच करें। देन यहां पर IMEI नंबर को आई अनलॉकर वेबसाइट पर डालकर देखें कि फोन कब एक्टिवेट हुआ था। देन गाइज यहां पर डिस्प्ले के अंदर टू टोन ऑन कर देखें, अगर टू टोन ऑन हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्ले चेंज नहीं है, अगर टू टोन वाला ऑप्शन ही गायब है तो इसका मतलब डिस्प्ले आपके फोन का चेंज है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देख के लें। फेस आईडी को जरूर से चेक करें, आईफोन एक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती थी, हो सकता है आईफोन XR में भी आ जाए, तो अच्छे से चेक करके लें। देन गाइज यहां पर आप ये भी देखें कि स्पीकर भर रहा तो नहीं रहा है, आवाज क्लियर है। देन उसके बाद बैटरी, अगर बैटरी 80% के नीचे है तो उस फोन को बिल्कुल स्किप कर दें, 80% के ऊपर ही लें, और अगर वो ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल ईयरफोन नहीं देता तो उससे पैसे कम करवाएं, नहीं तो आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखकर सेकेंड हैंड आईफोन XR OLX पर से लेते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी का आपका कुछ और डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा लें। एंड अगर आपका अभी भी कुछ भी डाउट है आईफोन XR को लेकर तो आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।